हेलो दोस्तों, देखो हम अभी पहुंच चुके हैं वैशाली का ऑफ बॉम्ब जीजस ओल्ड गोवा रोड। ये जो चर्च है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला। हाँ, अब हम इसके अंदर जाएंगे, आपको अंदर के मैं शूट्स क्लिक करके आपको दिखाऊंगा अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं। हम देखते हैं अंदर क्या है। लेकिन ये स्ट्रीट्स है, देखिए वहाँ पे आपको टू व्हीलर पार्क करने को मिल जाएगा। ये ओल्ड गोवा है और यहाँ पे फोर व्हीलर्स लोगों ने लगाए हैं, देखो आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम जाते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। चलो बाय। चलो यहाँ पे दोस्तों देखो, अंदर बॉडी रखी हुई है और आप जो लोग ज़्यादा डरते हैं वो देख सकते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा डरते हैं वो भी देखिए, क्योंकि देखिए ये हिस्ट्री का पार्ट है और ये हमें जानना ही ज़रूरी है। देखो, और जो इस बॉम जीसस का जो महा गिरजाघर है, जिसे द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इंग्लिश में भी कहते हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, या फिर किसी जो लोकल गाइड है उससे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जो लोकल गाइड होगा वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसकी लिंक या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना ज़रूर। चलो बाय। देखिए दोस्तों, अभी हम खड़े हैं सेंटर में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के यहाँ पे जो बाहर का जो एरिया है ये कुछ ऐसा दिखता है। देखिए यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक क्रॉस लगाया हुआ है। विशाल देखिए, आप दिखाइए सबको कैसा है क्या नहीं। देखो यहाँ पे चर्च है, यहाँ पे कुछ उधर उसका काम चल रहा है शायद। देखो यहाँ पे गार्डन वगैरह देख सकते हैं आप। अरे यहाँ पे आपको एक क्रॉस दिखाता हूँ, आओ यहाँ पे आओ, आपको क्रॉस दिखाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि गोवा की कितनी डीप हिस्ट्री है और यहाँ पे कितने सारे जो राजा थे उन्होंने राज किया होगा, उनके रूल्स, उनकी परंपरा, रेगुलेशंस, मतलब कितने सारे होंगे। देखिए यहाँ पे भी एस फ्रांसिस कॉक्स एवेरियो एंड्रिव, जान मुझे तो वो इतना पढ़ना नहीं आता, बहुत ही मेरे दिमाग की बाहर की चीज़ है। मतलब ये मेरे पहले कभी मैंने ऐसे शब्द पढ़े नहीं है, तो इसलिए नहीं आ रहा। आपको आता होगा, आप तो है ही फेमस पढ़ने के लिए कुछ मेरे व्यूअर्स। चलो जाते हैं अंदर, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। चलो बाय गाइस। देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे उस ज़माने की पेंटिंग्स वगैरह भी है, मैं आपको इतनी मतलब शार्प से तो नहीं दिखा पाऊँगा। यहाँ पे वीडियोग्राफी का बैन है, लेकिन आप देख लीजिए। देखिए वहाँ पे है कुछ अंदर, यहाँ का कुछ अंदर है, ऐसा कुछ अंदर। देखिए दोस्तों, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे और एक फ्लोर है जो फोटोग्राफी आर्ट करके है। यहाँ पे आप बहुत सारे स्टैचूज भी है और बहुत सारे पेंटिंग्स भी लगे। देखिए आप स्टैचू देख सकते हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्टैचूज वगैरह है जो लोग उनके सेंट जॉन द बैपटिस्ट, हाँ उनकी मतलब जो वहाँ पे
उस टाइम पे लोग थे तो वो, हाँ तो उनका है इंट्रोडक्शन वगैरह मतलब। अरे यार आइडेंटिटी कार्ड रे, मतलब जो इतिहास हो गया है उसको ऐसे नोट करके रखते इतिहासकारों, आपको पता है? हमको तो नहीं पता है क्योंकि देखो भाई मेरा तो स्कूल में था हिस्ट्री बहुत ही कच्चा, मुझे तो याद ही नहीं रहता है कुछ। ये देखो वहाँ पे एक पेंटिंग है, देखो आपको दिखा दो। यहाँ पे भी चर्च के बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह लगाए हुए आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी स्टैचूज फोटोग्राफ्स वगैरह है। ये कुछ ऐसे मतलब इस तरह से दिखता है ये चर्च, मतलब आप जब भी गोवा विजिट करोगे तो आपको अगर जमेगा तो यहाँ पे आओ यार, मतलब रिकमेंड तो रहेगा मेरे तरफ से आपको। ये देखो विशाल बेचारा थक गया है, उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन मेरा भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी देखते हैं, ये तो फ्लोर हो गया है, नीचे और बाहर का एरिया आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नीचे। इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं यहाँ पे, आठ फुट की सिर्फ दीवार है दोस्तों। यहाँ पे कितनी 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 फीट की है? 8 फीट की सिर्फ दीवार है, देखो दोस्तों। हाउ लॉन्ग, मतलब यार क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ होगा ना उस टाइम पे। और यहाँ पे अभी पैर से मारो तो भी दीवार गिर जाती है। ये देखो ये कुछ ऐसा है अंदर का नजारा, ये हमारी इधर गएंगे। हमने यहाँ से एंट्री की थी और पूरा अंदर घूम के हम आए हैं यहाँ से अंदर, ठीक है। चलो देखो ये कुछ बाहर का ऐसा व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं। मैं भी अपनी तस्वीर खींचूंगा जल्दी, आपको इंस्टाग्राम पे देखेंगे, इंस्टाग्राम में भाई को फॉलो कर लेना बस। और आपको डेली अपडेट जो हमारे होंगे ब्लॉग्स के आपको आते रहेंगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड गाइस। हेलो गाइस, देखिए अभी हम बाहर आ चुके हैं और ये हम जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। बहुत थक गए यार, धूप इतनी यहाँ पे जो आदमी को थकाई देती है पूरी। ये भी इनके चल रहे गप्पे, हम चल रहे बाहर कुछ खाने के लिए, मिलते हैं आपसे बाहर। यार ये यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसपे फंस भी सकते हैं। जाओ कुटे तरी वाह, अब मतलब ये कुछ बाहर का सीन है। यहाँ पे एक सवल्स करके गोवा शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पे आप सामान वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे हम सब चल रहे अभी
देखते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ हल्का फुल्का ही खाएंगे। देखो दोस्तों, अभी हमारा खाना हो चुका है। चिकन हांडी ली थी हमने और राइस लिया था। और यहाँ पे जो होटल है वो तिरुमाला करके, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ अंदर का ऐसा एम्बियंस देखिए कि ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर भी एक फ्लोर है, ठीक है। आइए बाहर। यहाँ पे कुछ इसे गाड़ी वगैरह पार्क आप कर सकते। तो मैंने और हम लोगों ने तिरुमाला रेस्टोरेंट एंड बार, वेज एंड नॉन वेज, यहाँ पे हमने अभी खाना खाया है। रिजनेबल रेट है, कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब हमारा हार्डली इतने लोग होने के बाद, हम 7 लोग थे, फिर भी हमारा बिल कुछ 1280 आया। एकदम रिजनेबल है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट मैं 10 में से 7 दूंगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। मच्छी वगैरह भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, फिश वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, विशाल कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? कोकोनट ट्री, हाँ कोकोनट ट्री पे हम जा रहे हैं। वहाँ का आपको सीन दिखाऊंगा मैं।